हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के GKGS से संबंधित क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो बक्सर का युद्ध था ये। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय किया जाता था? तो 40% व्यय किया जाता था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय ये पारित हुआ था। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा ये अपनाई गई थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में ये लागू किया गया था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। गोपद ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से संबंधित ही है। भारत का भूगोल, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई से नापा जाता है ये। भारत में कुल कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का है। किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को? भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है तो बेंगलोर कर्नाटक में। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गंगा नदी का उदाहरण है तो ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। कुमायूं मलिक की नदियों के बीच स्थित है तो सतलज और काली नदी के बीच ये स्थित है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है तो गोदावरी है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है तो वन रोपण से इसे रोका जा सकता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था, किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ये व्यवस्था दी थी। अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है तो द यूनियन ऑफ इंडिया नाम है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है ये। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में ये किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का किया गया। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था तो 1976 में यह पारित किया था। सूचना का अधिकार, मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों प्रकार का ये है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये 11 है। संविधान का 52वां संशोधन 1985 संबंधित है, दल बदल से संबंधित ही है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो उत्तर प्रदेश 403 सीटों के साथ सर्वाधिक है। इसके बाद सामान्य विज्ञान हम देखेंगे, किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंतरिक परावर्तन पर ये काम करता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे बनता है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है तो आयाम के द्वारा मापी जाती है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो लॉजिकल सिद्धांत पर यह काम करता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो ये आइस क्यूब है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है? तो धुआं के घनत्व को मापने के लिए ये किया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था।